हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पोक योर ब्रेन विद निशी। क्या आपको नोमोफोबिया है? फोन नहीं यूज करने का डर? फोन एडिक्शन बहुत खतरनाक है। क्यों है खतरनाक और इससे बाहर कैसे निकलें? आइए इसके बारे में जानते हैं। 63% पीपल जिसकी उम्र 18 से 29 साल है और 30% पीपल जिसकी उम्र 30 से 64 ईयर्स है, वो फोन चलाते चलाते सो जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए, ये ब्रेन को कितना हार्म करता है, आपके बॉडी के बायोरिदम को डिसरप्ट करता है और हेल्थ भी डैमेज करता है। ऐसा स्टडी से पता चला है कि रात के समय फोन यूज करने के टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारा बॉडी एक नेचुरल बायोसाइकिल में चलता है, रात को सोना, दिन में जगना। लेकिन जब आप रात में सोते हो तो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है जो आपको सोने में हेल्प करता है। ये मेलाटोनिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो कैंसर डेवलप कर सकता है। जब रात में आप लाइट से, अपने फ़ोन के लाइट से आपकी अपनी आँखों को एक्सपोज करते हो तो ब्रेन को लगता है कि दिन का समय है और आपकी नींद चली जाती है, जबकि रात में सोना चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। और जब ठीक से नींद नहीं आती है तो फिर सुबह आप फ्रेश फील ही नहीं कर सकते हो। हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं डे टाइम में। हमारे ऑर्गन्स एक्यूमुलेट करते हैं ये न्यूरोटॉक्सिन्स। ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा बॉडी ये टॉक्सिन्स के अगेंस्ट काम करता है। सारे रिपेयरिंग वर्क हमारे बॉडी में रात में होते हैं जब हम साउंड स्लीप ले रहे होते हैं। स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गया तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा और इससे आप टायर्ड फील करोगे, एग्जॉस्ट फील करोगे। साइंटिस्ट ने तो रिकमेंड किया है कि हमें एटलीस्ट 7 to 9 hours स्लीप ज़रूर लेना चाहिए, अदरवाइज न्यूरोटॉक्सिन जो हमारे बॉडी में बनते हैं वो प्योरीफाइड नहीं होगा। हम क्या करते हैं सोते समय? बस ये सोचते हैं कि एक बार फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें 5 मिनट के लिए और फिर सो जाएंगे। बट ये 5 मिनट का टाइम कब आवर्स में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पर एक बात हमेशा हमें याद रखना है कि जितना कम देर सोएंगे हमारी ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। रिसर्चर्स ने ये भी स्टडी किया है कि जो स्टूडेंट्स अपने फोन का ओवर यूज करते हैं उन्हें 25 मिनट लगता है कॉन्सेंट्रेट करने में जब क्लास शुरू होती है। ये हमारे मेमोरी पावर पर भी बुरा असर करता है। अगर मेलाटोनिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं करेंगे। क्या होगा कि आपकी बॉडी तो थकी हुई है बट ब्रेन तो आपने एक्टिव कर रखा है, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है बॉडी में और आप खाने लगते हो, जिसके कारण डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है और ये ओबेसिटी का कारण भी हो सकता है। रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि जो 12 to 14 hours अपना फ़ोन यूज़ करते हैं वो लेस फिट होते हैं उनसे जो सिर्फ 1.5 से 2 घंटा अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। विजन डिसऑर्डर भी हो सकता है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया 2000 लोगों में तो ये देखा गया कि उनमें से 55% लोग में आई डिसकंफर्ट के कारण उसका कारण ओवर यूज ऑफ फोन निकला। इससे मूड स्विंग्स भी आते हैं और डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं इसे अवॉइड करने के लिए? एक तो सोने से 2 घंटे पहले फोन यूज करना बंद करें, क्योंकि तब हमारे ब्रेन को लगेगा कि अभी सोने का समय है। दूसरा, आप बुक्स पढ़ सकते हो इंस्टेड ऑफ सर्फिंग नेटवर्क। और आप इजीली अपने एप्स को यूज करते हो, राइट? अगर ये ईज ऑफ एक्सेस को आप खत्म कर दो अपने फोन से, आप कैसे करोगे? आप सारे एप्स को डिलीट कर दो अपने फोन से। अपना अकाउंट डिलीट मत करो बट एप्स को डिलीट कर दो। इससे क्या होगा कि आप फोन में इजीली ऐप यूज नहीं करोगे। आप फोन के ब्राउजर से ओपन करो और इससे आप आसानी से खोल नहीं पाओगे, तो आप इतना ज्यादा ये बिहेवियर नहीं करोगे। नोटिफिकेशन भी आप ऑफ कर सकते हो जिससे आप बार बार फोन चेक नहीं करोगे।
तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, जितना मुश्किल होगा आपका इन ऐप्स को यूज़ करना, उतना ही मुश्किल होगा आपका इन ऐप्स पर एडिक्टेड होना। For more such videos, please like and subscribe. Thanks for watching.